गुजरात के आणंद में कांग्रेस विधायक पूनम परमार के दामाद की कार से कुचलकर 6 लोगों की मौत। देश के बड़े शहरों में आज जुमे की नमाज के बाद तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी। मुरादाबाद के मदरसों में जश्न आजादी की तैयारी जोर शोर से जारी। पुलवामा में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर। स्टेडियम में हजारों बेटियां हिजाब पहनकर तिरंगा लहराती दिखी। पुंछ में उर्दू स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल को तिरंगे रंग में रंगा। बहराइच में विधायक सुरेश्वर सिंह की अगुवाई में निकाली ऐतिहासिक मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा। हरिद्वार में शांति कुंज ने निकाली जन जागरण तिरंगा और पर्यावरण संरक्षण रैली। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने अगुवाड़ा जेल संग्रहालय में झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। तमिलनाडु के अरक्कोणम में घर घर तिरंगा अभियान जोरों पर। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने लोगों को तिरंगा बांटा। मध्य प्रदेश के खंडवा में मुहर्रम के जुलूस में सरतन से जुदा के लगे नारे। खंडवा के जलेबी चौक पर जुलूस में शामिल युवाओं ने सरतन से जुदा के नारे लगाए। जौनपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सरतन से जुदा के लगे नारे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपत्तिजनक नारे लगाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का दावा 2024 में बीजेपी की सत्ता में वापसी मुश्किल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू के साथ गठबंधन को बताया असली महागठबंधन। बिहार मंत्रिमंडल का 16 अगस्त को हो सकता है विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस में कलह। खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को खत लिखकर मंत्री पद का दावा किया। नीतीश कुमार की नई सरकार का 24 अगस्त को होगा फ्लोर टेस्ट। 25 अगस्त को नए स्पीकर का होगा चुनाव। पीएम मोदी ने पीएमओ कर्मचारियों की बेटियों से बंधवाई राखी। पीएम ने बेटियों से की बात, खुश रहने का दिया आशीर्वाद। रक्षाबंधन समारोह के बाद पीएम मोदी ने हर बच्चे को तिरंगा दिया और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी और तेज प्रताप ने मां राबड़ी देवी के आवास पर बनाई राखी। मुंबई में महिला पुलिस कांस्टेबल ने सीएम एकनाथ शिंदे को बांधी राखी। उत्तराखंड के माणा में गांव वालों ने आईटीबीपी के वीरों के साथ मनाया रक्षाबंधन। महाराष्ट्र के जालना में आयकर के छापे पर शिवसेना बौखलाई। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने बताई बदले की कार्रवाई। जालना रेड में हो सकती है ईडी की एंट्री। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा सकती है। दो स्टील कारोबारी और दो प्राइवेट फाइनेंसर के यहां रेड में अब तक 58 करोड़ कैश बरामद। 32 करोड़ की ज्वेलरी सहित 300 करोड़ की संपत्ति का पता चला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले में एक और जवान की मौत हुई। राइफलमैन निशांत मलिक ने गुरुवार शाम को अस्पताल में आखिरी सांस ली। मारे गए दोनों आतंकवादियों के पास से मिली भारी संख्या में हथियार। 2 AK-47, 9 मैगजीन, 300 कारतूस, 5 ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। एम्स के मुताबिक हार्ट अटैक के दौरान राजू के ब्रेन को पहुंचा है नुकसान। सरकार ने अटल पेंशन योजना में किया बड़ा बदलाव। आयकर दाताओं को 1 अक्टूबर से इस योजना में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। भारत सरकार ने आर्थिक मंदी की आशंका से जताया इनकार। कहा कि इस साल भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। केएल राहुल जिम्बाब्वे दौरे के लिए होंगे उपलब्ध। बीसीसीआई ने दी फिट होने की जानकारी। केएल राहुल की वापसी से टीम इंडिया में बदलाव। शिखर धवन की जगह राहुल करेंगे कप्तानी। धवन अपने उपकप्तान। एशिया कप के लिए तैयार है विराट कोहली। विकेटों के बीच की रनिंग प्रैक्टिस। क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्त किया। सीएम धामी ने ऋषभ पंत को किया सम्मानित। कहा पंत के जुड़ने से प्रदेश में क्रिकेट का माहौल अच्छा बनेगा। खेल के क्षेत्र में युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की नई पारी। मुंबई छोड़ अब गोवा के लिए खेलेंगे क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया टीम ने दिखाई दरिया दिली। आर्थिक हालात से जूझ रहे श्रीलंका के बच्चों के लिए दान की अपनी प्राइज मनी। पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप ने भारत सरकार से लाल सिंह चड्ढा को पाकिस्तान में रिलीज किए जाने की मांगी। इजाजत एनओसी मिली तो 3 साल बाद पाकिस्तान में रिलीज होगी कोई भारतीय फिल्म। सैफ करीना के बेटे तैमूर और जहांगीर ने मनाई राखी। चचेरी बहन इनाया से बंधवाई राखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।